नमस्ते दोस्तों, बिनीता कुकिंग में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों तो आज हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों चावल और उड़द की दाल से नाश्ता। दोस्तों 1 कप चावल हमने ले लिया, आधा कप उड़द का दाल ले लिया था। देखो रात को हमने भिगो लिया था, अच्छे से हमारा चावल फूल गया है और दाल भी अच्छे से फूल गई है उड़द का। अब इसको दोनों को हम मिक्सर में अच्छे से पीस के इसका बैटर बना लेंगे। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों इसका नाश्ता खाने में, इडली या डोसा से अच्छा लगता है। घर पे अगर नहीं है कोई चीज़ तो फटाक दे नाश्ता बना के खा सकते हो। अब हम इसको पीस लेते हैं। सूर्य से लास्ट तक हमारी वीडियो में बने रहिए दोस्तों। कैसा आज हम बना रहे हैं नाश्ता आप लोग देखते रहना। तो दोस्तों हमने बैटर को पीस के देखो चावल दाल को अच्छे से निकाल लिया है। इसमें हम नमक डालेंगे और इनो, तो पहले हम इसमें नमक डाल देते हैं। नमक डाल के इसमें हम एक पैकेट देखो इनो लिए हैं, इनो डाल देंगे। दाल को सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों इधर हमने एक प्लेट ले लिया था, इसमें हमने कागज लगा दिया, इसमें तेल लगा दिया, इसमें ही बैटर को हम डालेंगे अच्छे से। पूरा अच्छे से हम डाल दे रहे हैं सारे बैटर को। अच्छे से हम ऐसे कर लेंगे इसको। अब इसको हम इधर रख दिया था कढ़ाई, कढ़ाई में हमने पानी रख दिया है। पानी देखो हमारा गर्म हो रहा था हल्का, इसी के ऊपर हम ऐसे रख देंगे। फिर इसको हम 10-15 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। हमारा बन के आज का नाश्ता बहुत अच्छा तैयार होगा दोस्तों। तो जो देखो बैटर हमने इसमें डाला था कितने अच्छे से हमारा पक चुका है। देखो हमने चम्मच डाल के चेक कर लिया था पहले, अभी भी उसको चेक करके दिखा रहे हैं। देखो कितना अच्छा निकल रहा है हमारा चम्मच, एकदम अंदर से बढ़िया से पक चुका है। देखो कितना फूला फूला इतना अच्छा बना है स्पंजी। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तब तक हम इधर चटनी बना लेते हैं इसके साथ खाने के लिए। हमने नारियल ले लिया है, कच्चा नारियल ले लिया, धनिया पत्ती ले ली है और ये चना ले लिया हमने और हरा मिर्च ले लिया है। कड़ी पत्ता हम तड़के के लिए ले लिए हैं, राई से और कड़ी पत्ता से हम तड़का मारेंगे दोस्तों। तो देखो हमने हरा नारियल ले लिया था कच्चा। अब इसको हम मिक्सर में पीस के फिर आप लोग को दिखाते हैं तड़का मार के चटनी हमारी कैसी बनी है। तो दोस्तों हमने नारियल का चटनी देखो पीस लिया है। अब इसमें हम तड़के के लिए इधर रख दिए हैं कचूल को गर्म होने के लिए। इसमें हम डाल देंगे सरसों, तड़का में सरसों से इसका तड़का मारा जाता है दोस्तों, नारियल की चटनी से बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें हम डाल देंगे कड़ी पत्ता, इसमें हमें सूखा मिर्च डाल देते हैं। और सब चीज़ हमारा अच्छे से बढ़िया पक गया है। अब इसको हम तड़का लगा लेंगे, गैस बंद कर देते हैं। अच्छे से बढ़िया से हमारा तड़का लग गया दोस्तों बढ़िया से। हमारा नारियल चटनी कैसा बना है दोस्तों देखो, हमारा इतना अच्छे से हो गया है। देखो कागज में अपने आप निकलने लगा, हमने इसमें पट्टी कर दिया था दूसरे बर्तन में, तो कागज ऊपर से निकाल लेंगे बढ़िया से अच्छे से। देखो कितना अच्छा से, तो हमने इधर काट रहे थे इसको अच्छे से, काट लिया है बढ़िया से चारों तरफ से अच्छे से काट के लिए रख लिया है। अच्छा हमारा बन के तैयार है, इसमें काट के आप लोग को दिखाते हैं। देखो कितना अच्छा, कितना नरम, कितना बढ़िया बना है। इडली से भी अच्छा बना है, देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में।
साथ हम इधर नारियल की चटनी भी बना लिए थे, इसको तड़का मार लिए थे दोस्तों, तो खाने के लिए हम निकाल लेंगे प्लेट में। चटनी को भी निकाल लेंगे अच्छे से। कितना अच्छा, कितना सॉफ्ट, कितना स्पंजी बना है, कितना मस्त। अंदर से देखो जाली जाली एकदम, आप लोग को नजदीक से देख लो जाली जाली, कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। एक कप चावल और आधा कप दाल से कितना बढ़िया नाश्ता बना है। आज का हमारा नाश्ता कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को हमारे से। अच्छा लगे दोस्तों तो कमेंट करके बताना आज का हमारा ये नाश्ता कैसा लगा, चावल का और चटनी नारियल की। मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।